नमस्ते, मैं हूँ सूरज। साल 2019 बीत चुका है और अब आ गया है साल 2020। साल 2019 में एक नहीं, कई ऐसे मौके आए जब क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ गईं, आंखों से आंसू निकल आए, खुशी के पल आते आते दूर चले गए। साल 2019 में क्रिकेट फैंस के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। उन मौक़ों में से ही हम आपके लिए चुन कर लाए हैं 5 मौके जिन्हें कोई भी क्रिकेट प्रेमी फिर से नहीं जीना चाहेगा। 10 जुलाई 2019 इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर। मौसम ऐसा कि कुछ नहीं पता कि बारिश कब शुरू हो जाए। वर्ल्ड कप खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन का समय बाकी था। भारतीय टीम ऐसे लय में थी कि लगने लगा था अब कपिल देव, एमएस धोनी की तरह विराट कोहली का नाम भी वर्ल्ड कप विजेता कप्तानों की सूची में जुड़ने वाला है। पहली पारी में न्यूजीलैंड को 239 रनों पर रोकने के बाद टीम को जीत की खुशबू भी आने लगी थी, लेकिन बारिश के चलते अगले दिन हुए बाकी के मैच में वो हुआ जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा। भारतीय टीम ने सिर्फ 92 रनों के टोटल पर 6 विकेट गंवा दिए। यहाँ से जडेजा के साथ मिलकर महेंद्र सिंह धोनी टीम को जीत के करीब ले गए। आखिरी 10 गेंदें बची थी, जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 25 रन। स्ट्राइक पर थे मैजिकल माही, जब तक धोनी है उम्मीद जिंदा है, लेकिन इस दिन ऐसा हो नहीं पाया। लोकी फर्ग्यूसन की एक बॉल पर धोनी ने सोचा कि दौड़ के 2 रन पूरे कर लें, तभी सीन में एंट्री हुई मार्टिन गप्टिल की। मार्टिन गप्टिल का वह बाज की तरह गेंद पर झपट्टा मारना और तेज रफ्तार थ्रो स्टंप्स पर फेंक देना बरसों तक इंडियन फैंस को डराता रहेगा। गप्टिल के थ्रो पर बॉल सीधी स्टंप्स पर जा लगी और धोनी कुछ इंच दूर रह गए। ये कुछ इंच अंत में भारत और वर्ल्ड कप के बीच की दूरी साबित हुए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 44 सालों के इतिहास में इतना रोमांचक फाइनल शायद ही कभी देखा या सुना गया होगा। 14 जुलाई 2019 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, भारत को हराकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड खिताब के इतने करीब पहुंच चुके थे कि अब वहां से सिर्फ एक मैच और उन्हें जीतना था। मैच बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वर्ल्ड कप के फाइनल को होना चाहिए। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 241 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम खेलने उतरी और आखिरी तक मैच में बनी रही। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 15 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक्स। केन विलियमसन ने गेंद ट्रेंट बोल्ट को दी। बोल्ट ने ओवर की पहली 2 गेंदों पर स्टोक्स को छका दिया। पहली दोनों गेंदें खाली गई। अब न्यूजीलैंड मैच में हावी हो चुका था, लेकिन अगली गेंद को 6 रनों के लिए भेजकर स्टोक्स ने मैच का रुख मोड़ा। ओवर की 4थी गेंद आनी थी, इंग्लैंड को चाहिए थे कुल 9 रन। बोल्ट की फुल टॉस को स्टोक्स ने डीप मिड विकेट की तरफ उछाला और 2 रनों के लिए दौड़ पड़े। एक बार फिर से सीन में आए मार्टिन गप्टिल, फिर से चमत्कार की संभावना, लेकिन यहाँ कुदरत ने हिसाब बराबर कर दिया। जो गेंद स्टंप्स पर जा लगनी थी या कीपर के हाथों में जानी थी, वो डाइव लगाते स्टोक्स के बल्ले से जा लगी और बाउंड्री के बाहर चली गई। एक्स्ट्रा 4 रन। इन 4 रनों ने इंग्लैंड को टाई तक पहुंचा दिया, वरना मैच न्यूजीलैंड का था, कब भी न्यूजीलैंड का था। इसके बाद सुपर ओवर भी टाई हुआ और इंग्लैंड ने मैच को बाउंड्री काउंट के आधार पर जीत लिया। इस मैच के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की मायूसी साफ दिख रही थी। न्यूजीलैंड के साथ साथ दुनिया का हर वो इंसान भी उस दिन मन ही मन रो रहा था जो कमजोर के साथ होता है। जब कभी भी भारतीय क्रिकेट की गाथा लिखी जाएगी तो उसमें सुनहरे अक्षरों में सबसे ऊपर जिन खिलाड़ियों का नाम होगा उनमें महेंद्र सिंह धोनी जरूर होंगे। आखिरी दम तक बड़े मुकाबले में मैच को कैसे बनाना और कैसे बचाना है, ये महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन साल 2019 में उनके साथ एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार ऐसा हुआ जिसे देखकर फैंस अपनी आंखें बंद करना चाहेंगे। IPL फाइनल 2019, मुंबई ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 149 रन बनाए। जवाब में सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों वाली चेन्नई की टीम शेन वॉटसन के कंधों पर लक्ष्य पार करने की कोशिश कर रही थी। धोनी फाइनल में फ्लॉप रहे, सिर्फ 2 रन बनाकर रनआउट हुए, लेकिन फिर उठने में लगी चोट और उससे बहते खून से लथपथ शेन वॉटसन ने चेन्नई को लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 6 गेंदों में सिर्फ 9 रनों की दरकार थी। मलिंगा के सामने स्ट्राइक पर थे वॉटसन। वॉटसन ने पहली गेंद पर 1 रन लिया और जडेजा ने अगली गेंद पर 1 रन लेकर वापस उन्हें स्ट्राइक सौंप दी। मलिंगा की तीसरी गेंद पर 2 रन और आ गए, लेकिन वॉटसन आखिरी ओवर की 4थी गेंद पर 2 रन लेने की कोशिश में रनआउट हो गए। चेन्नई को आखिरी गेंद पर जीत के लिए सिर्फ 2 रन बनाने थे, लेकिन मलिंगा ने शार्दुल ठाकुर को LBW कर चेन्नई की जीत का सपना तोड़ दिया। मुंबई की टीम 1 रन से जीत कर चैंपियन बन गई। 2019 में एक या दो नहीं बल्कि दिल को सदमा देने वाले, दिल को चौंका देने वाले 3-3 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम शामिल रही।
ऐसा तीसरा मुकाबला खेला गया वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच 22 जून को। वर्ल्ड कप 2019 का 29वां मैच। इस लीग मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए कप्तान केन विलियमसन की सेंचुरी की मदद से 291 रन बनाए। अब वेस्टइंडीज की टीम खेलने उतरी। क्रिस गेल और शिमरॉन हेटमायर ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक उनके विकेट गिरते रहे। 142 को टोटल पर जब जेसन होल्डर के रूप में वेस्टइंडीज ने अपना 5वां विकेट खोया तो लगने लगा कि मैच में अब बस औपचारिकता बची है। इसके 10 रन बाद गेल 162 पर लुइस गए और न्यूजीलैंड को जीत के ख्वाब आने लगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ये भूल गई थी कि मैदान पर अब भी एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा है जो मैच को पलक झपकते ही बदल सकता है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कार्लोस ब्रैथवेट मैदान पर डटे रहे और अपनी टीम को खींचते खींचते जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। एक वक्त पर 164 रन के टोटल पर 7 विकेट गंवा चुकी वेस्टइंडीज की टीम 48.5 ओवर्स में 286 के टोटल पर पहुंच गई। टीम के 9 विकेट गिर चुके थे और आखिरी 7 गेंदों पर उन्हें सिर्फ 6 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे ब्रैथवेट और मैदान पर मायूस विलियमसन, लेकिन 23वें ओवर से लेकर आखिर तक पूरे कंट्रोल के साथ खेले ब्रैथवेट का सब्र 6 रन पहले जवाब दे गया। 49वें ओवर की आखिरी गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश में ब्रैथवेट को बाउंड्री पर ट्रेंट बोल्ट ने नपक लिया। ब्रैथवेट निराशा के साथ मैदान पर बैठ गए। इस तस्वीर ने करोड़ों फैंस के दिल तोड़ दिए। 2007 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते धोनी की उस तस्वीर से ज़्यादा जिस तस्वीर को लोग गूगल पर खोजते हैं वह है युवराज सिंह की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाली तस्वीर। 2007 T20 वर्ल्ड कप में ब्रॉड की गेंद पर उन 6 छक्कों ने पूरे देश को रात भर सड़कों पर नचाया था। फिर आया साल 2011। 2007 वनडे वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का सबसे सुनहरा मौका। इस वर्ल्ड कप में धोनी और युवराज ठान कर उतरे थे कि 2007 का बदला पूरा ही कर लेना है। युवराज सिंह ने इस वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद दोनों से एक बार नहीं कई बार ऐसा खेल दिखाया कि फिर 1983 को दोहरा कर ही टीम इंडिया रुकी। 1999 में डेब्यू पर खेली गई शानदार पारी नेटवर्क सीरीज में कमाल का प्रदर्शन। 2003 विश्व कप में अहम भूमिका लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के। 2007 विश्व कप में सबसे बड़ा मैच विनर। 2011 वर्ल्ड कप में कैंसर के बावजूद जीत का सबसे बड़ा हीरो। कैंसर से वापसी करते हुए मैदान पर वापसी करने वाला खिलाड़ी। युवराज सिंह के कितने रूप याद करेंगे आप। 10 जून 2019 का दिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। अचानक से मुंबई के साउथ होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलावा आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी युवराज सिंह की। कॉन्फ्रेंस को बुलावा और कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बीच का ये वक्त वही था जो दुआ और दवा के असर के बीच का होता है। युवराज के क्रिकेट को करीब से देखने वाले न जाने कितने ही फैंस चाहते थे कि युवराज जैसा चैंपियन खिलाड़ी क्रिकेट को इस तरह अलविदा ना कहे। लेकिन युवराज ने अपनी ज़िंदगी की एक फिल्म चलाकर संन्यास का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही उस पीढ़ी का अंत हो गया जिसे सौरव गांगुली ने बड़े चाव से सजाया था। अब न दादा खुद थे और न उनके सिपा साला। अगर आपने यह वीडियो फेसबुक पर देखा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आपने इसे यूट्यूब पर देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हमारे ऐप को डाउनलोड कर खबरों से पहले सबसे पहले अपडेट भी रह सकते हैं। इस स्टोरी की रिसर्च हमारे साथी विपिन ने की थी। नमस्ते, मैं सूरज। कैमरे के पीछे मेरे साथ है राशिद। शुक्रिया।